2014 में चंडीगढ़ सहित पूरे हिंदुस्तान ने जो मैंडेट दिया, जो आदेश आपने इस प्रधान सेवक को दिया, उसको कांग्रेस और उसके महान मिलावटी साथी आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। इन्होंने बीते 5 वर्ष में मेरे हर फैसले, हर योजना को अपमानित करने की कोशिश की है। जब लाल किले से मैंने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की तो सारे महामिलावटी खड़े हो गए, अरे ये पीएम कैसा है, लाल किले पर से टॉयलेट की बात करता है, मजाक उड़ाया, भांति भांति के सवाल उठाए। इस तरह के सवालों ने एक के बाद जैसे मानो मुझ पर बौछार कर दी। जब मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी बात की तो उसको भी इन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की। जब मैंने मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की बात की तो ये लोग उसके पीछे भी हाथ धोकर पड़ गए। जब मैंने डिजिटल इंडिया का अभियान चलाया तब भी इन्होंने मेरी सोच पर सवाल उठाए। साथियों, आपको याद होगा कांग्रेस और उसके राग दरबारियों का ये वही गैंग है जो कहता था कि भारत की जनता अनपढ़ है। ये लोग कहते थे कि भारत में तो बैंक नहीं है, ऐसे में डिजिटल लेनदेन कैसे संभव है। लेकिन इनकी तमाम साजिशों और सवालों के बावजूद हम डटे रहे। आज भारत के पास रुपे क्रेडिट कार्ड और भीम ऐप के रूप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। भारत आज डिजिटल पेमेंट्स का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है और हमारे रुपे कार्ड की इज्जत तो आज सिंगापुर में भी आप भारत के रुपे कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से हमारा विस्तार हो रहा है। वहीं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से देश भर के पोस्ट ऑफिस को अब बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर बनाया जा रहा है। अब पोस्टमैन स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट लेकर गांव गांव में बैंकिंग सर्विस की होम डिलीवरी करने लगा है। इतना ही नहीं, हमने एक डिजिटल त्रिशक्ति खड़ी की है, जेम, JAM, यानी जैसे जनधन बैंक खाते, ऐसे आधार कार्ड और एम से आपका मोबाइल फोन। JAM जैम की त्रिशक्ति से हमने सुनिश्चित किया है कि सरकारी योजनाओं के लाभ सभी लाभार्थियों को ही मिले।